कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे। क्या छुपा रही है ओम राउत ऑडियंस से? कब आएगी आखिर फिल्म से जुड़ी अपडेट्स? और क्या आदिपुरुष का VFX कर देगा ब्रह्मास्त्र के VFX को सप्रेस? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 18 अगस्त 2020 वो दिन जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी मैग्नम ओपस आदिपुरुष का पोस्टर रिलीज हुआ था। दोस्तों, पोस्टर रिलीज के बाद से बॉलीवुड में बस और फैंस के बीच इस फिल्म का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता गया है। सभी इस फिल्म से जुड़े आए दिन कुछ न कुछ थ्योरी और आइडियाज निकाले जा रहे थे कि आखिर फिल्म में हमें आखिर क्या देखने को मिलेगा। फैंस और मीडिया लगातार मेकर्स से इस फिल्म से जुड़े अपडेट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, पर मेकर्स बड़े सख्त निकले। पिघलना तो दूर दोस्तों, उन्होंने फैंस की फरियाद को भी घास नहीं डाली। 2 साल बाद भी फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आई है, जिससे क्यूरियोसिटी का पारा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आखिर क्या है जो फिल्म मेकर ओम राउत हमसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। जबकि आदिपुरुष की कहानी रामायण की है ये हमें पता है, और रामायण की कहानी तो सब जानते ही हैं। ऐसे में ऐसा क्या छुपा रहे हैं ओम राउत? अब आपकी सारी उलझनों और सवालों का जवाब मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब अक्टूबर में फिल्म की ऑफिशियल प्रमोशन कैंप स्टार्ट होने वाला है। फैंस तक तक ही लगाए बैठे हैं, फिल्म के प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आदिपुरुष और प्रभास की चर्चाएं अभी से तेज हो गई हैं, और आखिर हो भी क्यों ना भाई, बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म जो होने वाली है ये। ऐसे में इससे लेकर एक्सपेक्टेशन बढ़ना तो ऑब्वियस है। आपको बता दें कि फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ है और OTT राइट्स के थ्रू इस फिल्म ने अभी से ही फिल्म की आधे बजट की कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आमिर और सलमान की बड़ी से बड़ी फिल्म भी 50 से 60 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है, वहीं दोस्तों अभी से ही इस फिल्म ने 250 करोड़ अपनी झोली में कर लिए हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा बस फिल्म के VFX को लेकर चल रहा है। आपने बाहुबली और ब्रह्मास्त्र के टीजर में इंडियन सिनेमा के VFX का दम तो देख ही लिया होगा, पर दोस्तों खबरें ऐसी हैं कि आदिपुरुष का VFX ब्रह्मास्त्र जैसे सुपर साइफाई फिल्म को भी सरप्राइज करने वाला है, जो कि देखने लायक होगा। अब आपको क्या लगता है, ओम राउत क्या छुपा रहे हैं हमसे? क्या आदिपुरुष के VFX कर पाएंगे ब्रह्मास्त्र के VFX तो सरप्राइज? जल्दी से अपनी राय हमें कमेंट से बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर हैं जया।